स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। न्यू लेक्चर है आज का हमारा। आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग ट्रंकिंग किस तरीके से करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हमारे पास दो स्विचेस है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजी बनाई है, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं जो मेरे लेफ्ट साइड में एक टोपोलॉजी, हालांकि दोनों टोपोलॉजी दिखने में सेम है, ओके, तो मैं इस टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ। सो इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने वीलैन का कॉन्फिगरेशन अभी तक नहीं किया है। अगर आपको वीलैन का कॉन्फिगरेशन नहीं पता है तो आप इसका मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर है, आप वो देख सकते हो और उसके ऊपर से आप वीलैन का कॉन्फिगरेशन सीख सकते हो, ओके। अदरवाइज इस वाले प्रैक्टिकल के ऊपर में भी मैं फिर से एक बार वीलैन का कॉन्फिगरेशन करने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर डिटेल में पता करना है तो आप मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताने से पहले मैं बताऊँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग, काफ़ी सारे मेरे दोस्त लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, मैसेज करते हैं कि जब भी तू नया वीडियो अपलोड करता है तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ। यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये तो मेरा चैनल है इसलिए मुझे यहाँ पे कस्टमाइज चैनल दिख रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सब्सक्राइब करके, आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करो। उसके बाजू में एक बेल आइकॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बेल आइकॉन रहेगा, उसके ऊपर सिंगल क्लिक कर दो। सिंगल क्लिक करने के बाद क्या होगा, जब भी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूँगा ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उस तरीके से मेरे वीडियो को देख सकोगे, ओके। सो एक इजी वे है, मुझे भी किसी के चैनल सब्सक्राइब करना है, मुझे किसी के वीडियोस देखना है, तो मैं भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, तो आप भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो आज का हमारा सेशन है ट्रंकिंग। ट्रंकिंग किस तरीके से करना है हम लोग कॉन्फिगर करेंगे आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो स्विचेस लिया है, ठीक है, दो स्विचेस के ऊपर अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। इस डिपार्टमेंट का नाम मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ, इसको IT दे देता हूँ और इसको CS दे देता हूँ। सेम एज यहाँ पे भी एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है, तो उस डिपार्टमेंट का नाम मैं IT रखता हूँ, और यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स है, इसका भी नाम, इसका इस डिपार्टमेंट का नाम मैं CS रख देता हूँ। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट स्विच के ऊपर जो चार यूज़र PC दिख रहे हैं उसमें का जो फर्स्ट टू यूज़र PC है जो कि ऑरेंज डिपार्टमेंट में, मैं उसको Vlan 10 में डालने वाला हूँ, और जो ब्लू में, ब्लू डिपार्टमेंट में दो यूज़र PC है उसको Vlan 20 में डालने वाला हूँ। सेम एज मैं अप्लाई करूँगा अनदर साइड में, ओके। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक Vlan का कॉन्फिगरेशन। सो रही बात हमारी आज के प्रैक्टिकल की, सो आज के प्रैक्टिकल का हमारा टॉपिक है ट्रंकिंग। तो ट्रंकिंग का कंसेप्ट Vlan के बाद में आने वाला है। मोस्टली ट्रंकिंग हम लोग कब करते हैं? ट्रंकिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास दो स्विचेस है और वो दोनों स्विचेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। जब हम ये दोनों स्विचेस को एक दूसरे के साथ केबल के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, सो उस सिचुएशन में हम लोग उसको ट्रंकिंग बोलेंगे, ओके। जिस पोर्ट के ऊपर हम लोग कॉन्फिगर करने वाले हैं उस पोर्ट को बोलेंगे हम लोग ट्रंक पोर्ट। और जो Vlan का ट्रैफिक, Vlan का ट्रैफिक मतलब यहाँ पे Vlan 10 है और यहाँ पे Vlan 20 है, Vlan 10 एंड Vlan 20 का ट्रैफिक हम लोग इस लिंक के थ्रू सामने वाले स्विच के पास पहुँचाने वाले, ओके। मोस्टली ट्रंकिंग का कंसेप्ट यही है कि आपके पास जो Vlan है उस Vlan का ट्रैफिक एक स्विच से दूसरे स्विच तक पहुँचाने का काम जो होता है वो ट्रंकिंग के थ्रू होता है। ट्रंकिंग एक कंसेप्ट भी है और उसका हम लोगों को कॉन्फिगरेशन करना है। अगर हम लोग कॉन्फिगरेशन मिसमैच करते हैं, अगर हमारा कॉन्फिगरेशन मिसमैच हो जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, ये मेरा IT डिपार्टमेंट है, ये भी IT डिपार्टमेंट है, अगर दोनों IT डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है तो इस सिचुएशन में ट्रंकिंग यूज़ कर रहा हूँ। सो ट्रंकिंग मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा भी मिसमैच हो जाएगा तो ये ट्रंक नहीं बन पाएगा और ये IT डिपार्टमेंट अनदर IT डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ओके। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखते तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूँ और किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ओके। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्विच के ऊपर जाके बेसिक कॉन्फिगरेशन कर लेता हूँ, Vlan का कॉन्फिगरेशन कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसके पहले भी Vlan का कॉन्फिगरेशन किया है। सो फिर से एक बार कर रहा हूँ Vlan 10, उसका नेम दे देता हूँ मैं IT, जैसे कि मैंने बताया, Vlan 20 उसका नाम दे देता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस, तो CS शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, शो Vlan करके। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने दो Vlan क्रिएट किए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वाले सेशन में हो चुका है,
ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पता करना है तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इंटरफेसेस है, उसको किस तरीके से असाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट है F0/1, F0/2, F0/3 एंड F0/4, ऐसे चार यूज़र PC है। ओके, मैं इसलिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये पोर्ट दिख रहा है आपको, मैं इसको मूव नहीं कर पाता हूँ, तो इसकी वजह से यूज़र PC को ही मूव कर रहा हूँ। आसान तरीका है, पैकेट से मैं ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, बट ओवरऑल इतना तो चलता है। ओके, सो सबसे पहले मैं स्विच के ऊपर जा रहा हूँ। फर्स्ट टू यूज़र PC को VLAN 10 में कॉन्फ़िगर करता हूँ। इंटरफेस रेंज, रेंज कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं, FA0/1, सॉरी 0/1 एंड 2। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ओके, यहाँ तक मेरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। शो VLAN में जाके चेक कर सकता हूँ मैं, करेक्ट है। अभी यहाँ पे मुझे अनादर, अगर मैं ऊपर वाला एरो दबाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस वाली कमांड से वो भी आ जाती है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। यहाँ पे देखो, चलो मैंने फट से कॉन्फ़िगर तो कर लिया। यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट में जितने भी यूज़र PC उसको उसके ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अम्बर कलर स्टार्ट हो गया है। ये देखो अम्बर कलर आ रही है यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर आ जाएगा। ओके, अगर आपको स्विचिंग का कंसेप्ट पता है तो BPDOs वगैरह मैसेजेस भेजते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, सो अभी मैं सेकंड स्विच कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सेकंड स्विच भी मैं एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। सबसे पहले VLAN 10 नेम, IT VLAN 20 नेम, CS, ऑलराइट। फर्स्ट टू यूज़र PC, इंटरफेस रेंज, ओहो फास्ट इंटरनेट है, 0/1 एंड 2। स्विच पोर्ट मोड, यहाँ पे देखो मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। देखो अभी मैं VLAN 20 के लिए कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, 0/3 एंड 4। ओहो कहीं मिस्टेक किया, देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, रेंज कमांड डालना भूल गया। ठीक है, रेंज के लिए मैं RA डाल रहा हूँ, तो रेंज ही कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 नो, ओहो सॉरी नो शटडाउन की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक का तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अभी मैं करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जो कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, जो आज का टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा ट्रंकिंग। ट्रंकिंग बेसिकली, अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट थी, एक कंपनी थी, जस्ट कंसिडर करते हैं कि ये कंपनी का नाम है ABC, ओके और यहाँ पे जो अनदर कंपनी है उसका भी नाम हम लोग ले लेते हैं XYZ। दोनों के दोनों कंपनी जस्ट एक ही बिल्डिंग में है, जस्ट कंसिडर करते कि ये फर्स्ट फ्लोर पे है और ये सेकंड फ्लोर पे है। तो दोनों के साइड में एक IT डिपार्टमेंट है, एक CS डिपार्टमेंट है। IT डिपार्टमेंट में फर्स्ट कंपनी के पास 2 यूज़र है, XYZ के पास भी 2 यूज़र है, VLAN एंड CS डिपार्टमेंट में 2 यूज़र है एंड XYZ के पास भी सेम 2 यूज़र्स है। तो अभी कंपनी की रिक्वायरमेंट इस तरीके से, कंपनी बोलती है कि हमारा IT डिपार्टमेंट का यूज़र्स XYZ के IT डिपार्टमेंट के यूज़र्स के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, और VLAN 20 मतलब CS डिपार्टमेंट, यहाँ पे CS डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। इसका मतलब सिंपल वे में अगर बताना चाहूँ, तुम्हारा जो VLAN का ट्रैफिक है वो ट्रंक के थ्रू सामने में पास होना चाहिए। यही हमारा ट्रंकिंग का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले मुझे ट्रंकिंग करने के लिए मुझे केबल का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्रॉस केबल का यूज़ कर रहा हूँ, 0/5 फास्ट इतने 0/5, यहाँ पे भी सेम पोर्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी मैं F0/5 के ऊपर कॉन्फ़िगर करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है। अभी तक मेरा ट्रंक का कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं चेक करता हूँ तो शो इंटरफेस ट्रंक, अब यहाँ पे भी मेरा कुछ ट्रंकिंग का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। अभी तक अम्बर कलर में, जैसे ग्रीन कलर में आते तो हम लोग
बाकी का फर्दर कॉन्फ्यूशन जो भी कुछ है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके देखो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, अभी हम लोग देखते हैं फिर से शो इंटरफेस ट्रंक। अभी तो कुछ नहीं है, सेम सिचुएशन है जो हमारी प्रीवियस में थी, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन शो इंटरफेस ट्रंक। ओके ओके यहाँ पे देखो अभी मैं कॉन्फिगर करता हूँ, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इतने 0/5। ओके स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, मैं इतना ही कमांड डालने के बाद ना ये ऑटोमेटिकली ट्रंक फॉर्मेट कर देता है, मतलब ट्रंकिंग चल पड़ता है। ओके अगर यहाँ पे अगर मैं कमांड नहीं भी डालता हूँ इन शो इंटरफेस ट्रंक, देखो यहाँ पे उसने क्या किया, F0/port को उस ट्रंकिंग H02.1Q ओके एनकैप्सुलेशन मोड ऑन कर दिया है, ट्रंकिंग भी फॉर्म कर दिया उसने, फॉर्म कर दिया ट्रंकिंग, उसके बाद जो विलेन का ट्रैफिक से वो भी फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया। सेम एज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली फाउंड कर दिया है। ओके लेकिन ये अभी तक ऑटो मोड में है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर अगर मैन्युअली कॉन्फ़िगर करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस है, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। ओके यहाँ पे देखो अभी शो इंटरफेस ट्रंक, देखो मोड ऑन हो गया है, ठीक है। हालांकि ऐसा क्यों होता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर ट्रंक करता हूँ तो ये सामने वाले स्विच को ऑर्डर देता है कि लाइक अभी मैं ट्रंक हूँ तू भी मेरे साथ कम्युनिकेशन कर, इसलिए वो चला जाता है ऑटो मोड में। इसके पहले मैं दोनों ऑटो ऑटो मोड में थे जिसके वजह से एक दूसरे के साथ ट्रंकिंग नहीं कर देते। जैसे ये एक्टिव हो गया इसने ऑन कर दिया H02.1Q एनकैप्सुलेशन, तो इसने सामने वाले यूज़र जो कनेक्टेड है उसको मैसेज दिया कि अभी मैं ट्रंक हूँ तो तू भी मेरे साथ ट्रंक हो जा, तो इसके वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लिया, ठीक है। बट हालांकि ये तो मैंने किया मैनुअल, ठीक है, लेकिन अगर मैं रियल प्रोडक्शन की वगैरह बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये कमांड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, इसके बाद कमांड है स्विच बोर्ड ट्रंक अलाउड विलेन ऑल। ये कमांड मोस्टली मैंने रियल प्रोडक्शन में यूज़ किया है, ठीक है। इससे क्या होता है, जितने भी तुम्हारे स्विच के ऊपर विलेन कॉन्फिगर किए सभी विलेन का ट्रैफिक एक स्विच के थ्रू दूसरे स्विच के पास पहुँचाने का काम करता है। सेकंड थिंग, मैं इस कमांड के थ्रू मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि खाली आईटी डिपार्टमेंट ही आईटी डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, सीएस डिपार्टमेंट और सीएस डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके विद द हेल्प ऑफ अनदर कमांड। सो वो भी मैं आज के सेशन में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जैसे मैंने ट्रंक किया तो सेकंड साइड में भी मैं वो कमांड डाल देता हूँ, इंटरफेस F0/5 स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, स्विच बोर्ड ट्रंक अलाउड विलैन और कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं चेक करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया आईपी एड्रेस ऑलरेडी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया, लेकिन आप देख सकते हो मैंने PC 1, 2, 3, 4 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और 4 सेम है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ओके ये 4 इस तरीके से मैंने आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन किया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों यूज़र दिख रहे हैं मेरे पास, सॉरी ये जो दोनों यूज़र दिख रहे हैं, इन दोनों यूज़र को XYZ के आईटी डिपार्टमेंट के दोनों यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करके देखता हूँ, हो जाएगा 10.0.0.1 जो कि खुद का आईपी एड्रेस है, उसके बाद 10.0.0.2 ये भी उसी डिपार्टमेंट का अनादर यूज़र है, इसको पिंग किया मैंने इस वाले यूज़र के थ्रू, इसको पिंग किया, दैट इज़ पॉसिबल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले यूज़र से इसको पिंग करूँगा पहले और इसके बाद सेकंड में इसको पिंग करूँगा, होना तो चाहिए क्योंकि अभी हमारा ट्रंक का कॉन्फ़िगरेशन भी बराबर है। उसका आईपी एड्रेस क्या है वो चेक कर लेते हैं, उसका आईपी एड्रेस ये फर्स्ट यूज़र है, सो फर्स्ट का आईपी एड्रेस है 10.0.0.5, तो मैं इसको पिंग करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, चलो पिंग हो रहा है, ठीक है। 6 को भी पिंग करके देख लेता हूँ, ठीक है यहाँ तक पिंग हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले यूज़र से XYZ डिपार्टमेंट के CS डिपार्टमेंट का एक यूज़र है जिसका आईपी एड्रेस है 07, उसको मैं पिंग करके देखता हूँ, नहीं होना चाहिए क्योंकि अनादर डिपार्टमेंट है, देखो नहीं हो रहा है,
तो यहाँ तक तो मेरा कॉन्फ्रेशन बराबर है। सो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है CS, वो XYZ के CS डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन होगा और IT डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन होगा। सो मैं XYZ का भी डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ आपको CS डिपार्टमेंट में। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ इस यूज़र को। अभी मैं लास्ट वाले यूज़र PC के ऊपर हूँ। लास्ट वाले यूज़र PC से मैं ये वाला IP एड्रेस पिंग करूँगा। इसका IP एड्रेस है 10.0.0.3। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। ओके, सो मैं लास्ट वाले यूज़र PC से पिंग कर रहा हूँ 10.0.0.3। ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमारा ट्रंक का कॉन्फ़िगरेशन बराबर है। अब इस सेकंड बात, जैसे कि मैंने बताया इस कमांड के थ्रू मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। ओके, सो मैं अभी क्या करता हूँ, मेरी कंपनी क्या बोलती है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट CS है वो CS डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा जो IT का डिपार्टमेंट है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आपको कुछ इस तरीके का कॉन्फ्रेशन करना है जिस कॉन्फ्रेशन के थ्रू मेरा ये वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ओके, तो मैं इस कंडीशन में क्या करूँगा, फिर से मैं स्विच के ऊपर जंप करूँगा, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस F0/। यहाँ पे देख सकते हैं पहले, सबसे पहले मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया था, स्विच ऑन मोड ट्रंक किया क्योंकि सब कुछ अलाउड किया था। अभी मुझे करना है खाली VLAN 10 को अलाउड। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10 ओनली। ठीक है, सेकंड वाले स्विच के ऊपर भी जाके मैं सेम कमांड चला रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10। ओके, सो अभी मैंने दोनों स्विचेस के ऊपर ओनली VLAN 10 को अलाउड किया है, VLAN 20 को नहीं किया है। अभी मैं जब शो इंटरफेस ट्रंक करके चेक करता हूँ तो आपको पता चलेगा मैं खाली VLAN 10 को ही अलाउड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सेम एज मैं ये वाले यूज़र PC से इन दोनों में से किसी को भी पिंग करता हूँ, या तो फिर पिंग करके देखता हूँ यहाँ से यहाँ पे, या तो फिर यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं कि हम लोग इनको रीचेबल कर पाते हैं, पिंग हो पाता है ही नहीं। अभी तो नहीं होना चाहिए बिकॉज हम लोगों ने VLAN 10 को ही अलाउ किया है, VLAN 20 को अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिंग करके देख लेता हूँ। ठीक है, इसका IP जैसे 10.0.0.3 और 4। इसके पहले मैं पिंग हो रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी पिंग नहीं होना चाहिए। देखो अभी पिंग नहीं हो रहा है, पैकेट नहीं जा रहे हैं। तो सेम एज हम लोग IT डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, ये देखो इसके पहले मैंने पिंग किया था 5 और 6 को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 5 को पिंग किया था, 6 को पिंग किया, तो अभी मैं फिर से 5 को पिंग करता हूँ, होना चाहिए क्योंकि VLAN 10 को अलाउट किया है मैंने। देखो हो रहा है, और 6 को भी पिंग करके देखता हूँ, देखो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो गया। इस तरीके से हम लोग ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज का सेशन थोड़ा लेंदी हो गया है, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रियल प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें आती है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नए नए अपडेट आएंगे, नए नए। इट्स नॉट अबाउट द CCNA ट्रेनिंग, मैं इसके आगे में बहुत सारे ट्रेनिंग्स कवर करने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब करो एंड जो भी कुछ अपडेट आते हैं मैं डेफिनेटली पुट करूँगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है नए वीडियोस के बारे में, या तो आपको कुछ लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। सो मैं उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसके अंदर आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज़ अपलोड कर सकूँगा बना के। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।